हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट विल्सन लिंड की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एसेइस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट विल्सन लिंड वॉज एन आयरिश राइटर, एडिटर ऑफ पोइट्री, अर्बन लिटरेरी एसेइस्ट एंड स्ट्रॉन्ग आयरिश नेशनलिस्ट। रॉबर्ट विल्सन लिंड एक आयरिश राइटर हैं, पोइट्री एडिटर हैं, अर्बन लिटरेरी एसेइस्ट हैं और स्ट्रॉन्ग आयरिश नेशनलिस्ट हैं, मतलब राष्ट्रवादी हैं। रॉबर्ट लिंड वॉज बॉर्न इन बेलफास्ट ऑन 20 अप्रैल 1879, द सेकेंड ऑफ सेवन चिल्ड्रन ऑफ अ प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर। जो रॉबर्ट विल्सन लिंड है, उनका जन्म बेलफास्ट में हुआ था 20 अप्रैल 1879 में, एक प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर के 7 बच्चों में हुआ था। लिंड वॉज एजुकेटेड एट रॉयल बेलफास्ट इंस्टीट्यूशन, वेयर ही बिफ्रेंडेड जेम्स वाइंडरगुड, पॉल हेनरी एंड स्टडीड एट क्वींस यूनिवर्सिटी। लिंड को रॉयल बेलफास्ट इंस्टीट्यूशन में शिक्षित किया गया, जहां उन्होंने जेम्स वाइंडरगुड और पॉल हेनरी के साथ फ्रेंडशिप की और क्वींस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हिज फादर सर्व्ड अ टर्म एज प्रेस्बिटेरियन चर्च मॉडरेटर। उनके पिता ने प्रेस्बिटेरियन चर्च मॉडरेटर के रूप में एक पद पर कार्य किया था। ही बिगेन एज एन जर्नलिस्ट विद जेम्स वाइंडरगुड ऑन द नॉर्दर्न विंग इन बेलफास्ट। He moved to London in 1901 via Manchester, sharing accommodation with the Paul Henry, who was establishing himself as an artist. इन्होंने एक पत्रकार के रूप में जेम्स वाइंडरगुड के साथ नॉर्दर्न विंग में शुरुआत की थी और पॉल हेनरी, फिर वो लंदन चले गए 1901 में via Manchester, और फिर पॉल हेनरी के साथ आवास साझा किया। जो पॉल हेनरी था, वो खुद को एक आर्टिस्ट के रूप में उस समय establish कर रहा था। He joined the staff of Daily News, subsequently called the New Chronicle, and from 1912 to 1947 was its literary editor. उन्होंने Daily News के staff को join किया और उसका बाद में नाम New Chronicle हो गया था, और 1912 to 1947 तक इसके साहित्यिक संपादक रहे। He used the pseudonym YZ in writing for New Statesman, according to C.H. Ross Kingsley. 1973, Lind's weekly essay, which ran from 1913 to 1945, was irreplaceable. इन्होंने न्यू स्टेट्समैन के लिए लिखित में स्यूडोम वाईजेड नाम का यूज़ किया था। सी एच रॉल्स किंग्सले के अकॉर्डिंग, इन्होंने 1973 में जो इनका वीकली एसे था, वो 1913 टू 1945 तक चला, जो कि इरिप्लेसिबल था। लिंड रोट एन इंट्रोडक्शन टू अ न्यू एडिशन ऑफ जेम्स कॉनोलीज लेबर्स इन आयरिश हिस्ट्री, फर्स्ट पब्लिश इन 1910। ही बिकेम अ फ्लुएंट आयरिश स्पीकर एंड गेलिक लीग मेंबर। एज एन सिनफिन एक्टिविस्ट, ही यूज द नेम रोबियार्डो फ्लन, राइबियार्डो फ्लन। ये एक फ्लुएंट आयरिश स्पीकर थे, गेलिक लीग मेंबर थे, और एक सिनफिन एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने रोबियार्डो फ्लन एंड राइबियार्डो फ्लन नाम का यूज़ किया था। He married the writer Sylvia Dryhurst on 21 April 1909. They met at Gaelic League meeting in London. उन्होंने सेल्विया ड्राईहर्स्ट से शादी की थी 1909 में, और वो गेलिक लीग मीटिंग में लंदन में मिले थे। लिंड डायड इन हैम्पस्टेड इन 1949। ही इज़ बेरिड इन बेलफास्ट सिटी सेमेट्री। उनका जो उनकी मृत्यु है, वो 1949 में हैम्पस्टेड में हुई थी, और उनको दफनाया गया था बेलफास्ट सिटी सेमेट्री में। वर्क्स, फर्स्ट द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस, सेकंड बुक्स एंड ऑथर्स, द ट्रेवलर्स लाइब्रेरी, सोलोमन इन ऑल हिज ग्लोरी, एसेज ऑन लाइफ एंड लिटरेचर, फिफ्थ है गॉलवे ऑफ द रेसर्स एसेट्रा। और भी इनकी वर्क्स हैं, मैंने यहाँ पे 5 वर्क्स, नोटेबल वर्क्स एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो और भी वर्क्स देख सकते हैं इनके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को